पत्थरों से बता सकते क्या? सर मुझे यहाँ क्यों लेके आया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं छोड़ दिया सर। आज सुबह तूने क्या किया था कुछ याद है? सुबह सर मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता, मैं तो शराब भी नहीं पीता सर। वो छोड़ दीजिए प्लीज। गलत काम तो तू रोज करता है बेटा, चल मैं तुझे कुछ दिखाता हूं। ये देख, ये तू ही है ना, ये देख तू ही है ना, कचरा कहां फेंक रहा है तू? ये वीडियो देख। इसमें गलत क्या है? कचरा को तो मैं फेंकूंगा ही ना। इसमें गलत क्या भाई? थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि प्लास्टिक से मुझे निकालो, दम घुट रहा है मेरा, दम घुट रहा था तेरा। दो मिनट के लिए इस प्लास्टिक में तू नहीं रह सका। तू ये सोच, ये मेरिन लाइफ जो जिंदगी भर इस प्लास्टिक में रहती है, उनका कितना दम घुटता होगा। कभी सोच के देखा इसे? जब तुझे कुछ समझाता हूं मैं, ये देख, ये जो प्लास्टिक है ना, जो तू रोज समुंदर में फेंक रहा है, उसे सीधा मरीन लाइफ इफेक्ट होता है। ये देख, ये एक चिड़िया है, ये समुंदर किनारे मरी हुई पाई गई थी, और जब एक बायोलॉजिस्ट ने उसे देखा और ये पता करने की कोशिश की कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, तुझे पता है क्या मिला? प्लास्टिक। यार वो तो बेचारी अपने चोंच पे खाना भर के अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाती थी, और उसे समुंदर से मिलता क्या था? बस प्लास्टिक। अरे वो बच्चे, वो चिड़िया के चूजे, वो तो बड़े भी नहीं हो पाते, उससे पहले ही मर जाते हैं। और ये सब तो सिर्फ पक्षियों की बात है, व्हाट अबाउट द अदर मेरीन एनिमल्स? सोचा है कभी? वो भी विक्टिम्स है सबके। सुन, तुझे पता है हर रोज करीब 3.5 मिलियन प्लास्टिक्स समुंदर में बहाए जाते हैं। इट्स अ वेरी बिग नंबर। और ये सारे मेरीन एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। Let me show you something else. ये देख, ये एक टर्टल है जो हमें एक समुंदर किनारे मिला था। हमने इसे देखा, कुछ दिक्कत थी, परेशानी में था बेचारा। जब जाकर इसके पास हमने देखा
तो एक स्ट्रॉ फंसा हुआ था उसके थ्रोट में। बहुत तड़प रहा था बेचारा। तुम्हारे लिए तो बस एक स्ट्रॉ है, लेकिन मेरे एनिमल्स के लिए तो जान पे बनाती है। और तू क्या कह रहा था, इसमें क्या गलत है? अपने आप को बहुत अच्छा बोलता है ना तू? ये जो हो रहा है मेरीन एनिमल्स के साथ, ये क्या अच्छा है? चलिए बता, कभी बीज गया है? तू कोई भी बीज चला जा, हर कदम पे तुझे बस प्लास्टिक मिलेगा, माइक्रोप्लास्टिक्स, जिसे अनजाने में इस मेरीन एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। सब लोग को यह लगता है कि समुद्र बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, इसमें कोई भी कुछ भी फेंकेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है बॉस, फर्क पड़ता है। ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स है ना, ये पानी के अंदर मैग्नेट का काम करता है। हार्मोन्स और मैनी केमिकल्स इसके साथ मिक्स हो जाता है और मछलियां ऐसे कंज्यूम करती हैं। और मछलियों को कौन कंज्यूम करता है? वी ह्यूमंस। तो घूम फिर कर ये हमें अफेक्ट करता है। चलिए बता, लंच में क्या खाया था? चावल, दाल और साथ में मछली। और बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तू ये सबसे समझ गया होगा। सर, मेरी तरह कितने ही लोग हैं इस दुनिया में, उन सबका क्या? सबका नंबर आएगा। और सुन, आइंदा कभी भी कूड़ा कचरा प्लास्टिक समुंदर में मत फेंकना, समझा? आइंदा कभी तुझे देख लिया ना कूड़ा कचरा प्लास्टिक समुंदर में फेंकते हुए, तो तुझे उठा के समुंदर में फेंक दूंगा। चल निकल यहां से। आप लोग भी कभी कूड़ा कचरा प्लास्टिक समुंदर में ना फेंकें, बल्कि सबको समझाएं इस थ्रेट के बारे में, वरना आपको मुझे अलग से समझाना पड़ेगा। से नो टू प्लास्टिक।